यहीं से बोलेंगे मित्रों आदरणीय दादा रमेश जी और प्यारी बच्ची आप रचना क्या नाम है रचना रचना मुझे क्षमा करें क्योंकि इतनी जल्दी मैं अपने पूरी लाभ नहीं कर पाऊँ हड़बड़ी में भी नहीं कर पाऊँ आप लोगों में आप लोगों के लिए अगर मुझे क्षमा करें तो एक प्रतिबद्ध कथाकार मुझे उसकी जिंदगी समर्पित की और एक बहुत ही अति संभावनाशील के लिए मेरा सिर्फ ये निवेदन छोटा सा कॉल स्टडी का इसमें जो भी गजनी का ये होता है ये लाजमी उसकी जमीन चाहिए वो दौड़ता गया एक से एक नायाब चीज़ें मिलती गई और ये भी ले लें वो भी ले लें करते करते अंत में सूर्यास्त के पहले वो दिया और सिर्फ उसको दफन करने के लिए उनकी जमीन गई नहीं आप लोगों में इतनी समानता थी कि आप लोगों साथ ये मैं बात नहीं करूँगा सिर्फ इसी कहानी को मेरे कहने का क्या तात्पर्य हो सकता है इसी के साथ आप तो बोल ही सकते हैं नहीं दोनों कहानियों को बड़े अलग अलग तरह की कहानियाँ हैं तो मतलब अगर फॉर्म को अगर आप देखते हैं तो दोनों फॉर्म को अगर आप एक साथ सिमटाने की कोशिश करेंगे और दोनों को एक आस्वाद में लेने की कोशिश करें तो मुश्किल पैदा होती है और प्रेम की बात मुझे एक बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मानते हैं और हम सब भी मानते हैं कि सबका अपना अपना पार्ट होता है किसी को सही लगता है किसी को नहीं लगता है लेखक भी इसी विचार से चलता है एक विजन लेके चलता है उसको कहाँ तक जाना है कितना जाना है उसके प्रोजेक्शन होता है किसी भी एक चीज का एक प्रोजेक्शन वो कितना एक आदमी को कन्वे करता है दूसरे आदमी को नहीं कन्वे करता है इसलिए इस कहानी की असफलता विफलता को मैं ये नहीं समझता कि किसी एक आदमी को पसंद नहीं आई तो ज़रूर नहीं कि औरों को पसंद नहीं और वो कहानी किसी और में आप इतनी बड़ी आप अगर फिल्म को अगर आप देखिए कहानी कई फिल्में बहुत स्लो चल रही होती अगरबत्ती की तरह चल रही है लेकिन उसका अगर इस कहानी में दो कहानी की आप चर्चा कर रहे हैं जैसे रचना की कहानी है एक ऐसा विषय है जो जिस पर लगातार लिखा जाना चाहिए मुझे वो शायद आप लोग ख्याल करना नहीं आया सूरजपाल चौहान की कहानी बदबू कहानी आनी चाहिए वो याद आती है कहानी की वो जो स्मेल है जो बदबू है मैं उस परिवेश में रहा हूँ उस परिवार से आता हूँ परिवेश में देखा है मैंने मैं कई चीज़ों को सर्टिफाई कर सकता हूँ कई चीज़ों को कह सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ें शायद वहाँ नहीं जैसे नूर मैम ने कहा कि ये मुझे हिस्सा इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर वो अपने संदर्भों में देख रही हूँ ये जो कहानी रमेश उपाध्याय जी की कहानी है उसको अगर आप देखेंगे तो एक बड़े फलक की कहानी और ऐतिहासिक तरह की कहानी कई कहानियाँ पढ़ने में और सुनने में अलग अलग आस्वादन देती हैं ये आस्वादन का है मतलब आप कहीं ना कहीं आप उसको बैठ के पढ़ेंगे तो आपको एक पूरा परिदृश्य दिखाई देता है वो बहुत स्लो धीरे धीरे आप पर असर करती है आपको उन परिदृश्यों को लेकर जाती है जहाँ वो ठकठकाती है उन मुद्दों को जो आपके आसपास मौजूद हैं और आप उसमें कई जगहों पर छूट रहा है आप इस पूरे परिदृश्य को देख पा रहे हैं समझ पा रहे हैं कि भाई वहाँ पर गलती क्या हुई है अर्थव्यवस्था की गलती क्या रही है कम्युनिस्ट पार्टी की क्या गलती मतलब जिस देश में सबसे अधिक सर्वहारा है संजीव सर को थोड़ा सा पूछ रहा है कि खत्म करने का इशारा नहीं मुझे आपत्ति इसलिए है कि टाइम भी उन्होंने कह दिया था 8:30 और अध्यक्षीय भाषण के बाद आप चलिए ठीक है चलिए हम लोग यही बात अध्यक्ष ने कह दिया तो मैं बोल इसी समय बंद कर देता हूँ क्योंकि ये
संचालक के देखिए सर, मैं चीज कहता हूँ कि अगर कथा कहानी को अगर आप इस तरीके से चलाना चाहते हैं कि अगर आप नहीं चलाना चाहते आपने कह ही दिया कि आपको आप बोलेंगे ही नहीं, आप पहले भी बोलेंगे ठीक है, पर कथा कहानी में आने की आवश्यकता खत्म हो जाए। मित्रों हमारे ख्याल से हम ज्यादा बहुत बहुत बधाई आप दोनों रचनाकारों को, रचना जी विशेष रचना जी रचना है ही, रचना करती रहेंगी, तो बहुत बहुत बधाई आपको, उपाध्याय जी को बहुत बहुत बधाई, दोनों कहानियाँ मुझे तो अच्छी लगी हैं और बाकी आप सब लोग सुधीर लोग हमारी ये गोष्ठी कुछ सफलतम गोष्ठियों में से रही, काफ़ी शिद्दत से लोगों ने अपनी बातचीत रखी, पूरी बातचीत 1 घंटा 21 मिनट तक हम लोगों ने बातचीत की जो कि सार्थक बातचीत और बहुत अच्छी बातचीत समय के कारण गोष्ठी को तो यही समाप्त करता हूँ, अब आप औपचारिक रूप में बात करें।